अगर आपके पास भी मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस है और आप लोगों का मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस का आरटी सर्विस का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आप मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस का आरटी सर्विस का सब्सक्रिप्शन को रेनुअल कर सकते हो। मात्र ₹118 का पेमेंट आप लोगों को करना होगा और इसका रेनुअल आप लोग करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस के आरटी सर्विस सब्सक्रिप्शन को रेनुअल कराने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस के सारे सर्विसेस को यही वेबसाइट प्रोवाइड करती है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको आरटी सर्विस रेन्यू करना है तो आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर आपको पेमेंट का बटन मिलेगा। इस पेमेंट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आरटी सर्विस का सिलेक्शन यहाँ पर करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को हम फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस का सीरियल नंबर ऐड करना होगा। सीरियल नंबर ऐड करने के लिए ऐड का बटन यहाँ पर आपको दिया है, आप लोग इस पर क्लिक करिए। उसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। आप लोगों के फिंगरप्रिंट डिवाइस का सीरियल नंबर फिंगरप्रिंट डिवाइस के पीछे प्रिंटेड रहता है, वहां से आप लोग सीरियल नंबर को फाइंड कर सकते हो। या फिर अगर आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस से वो सीरियल नंबर मिट चुका है या फिर डिलीट हो चुका है, तो आप लोगों को कैसे सीरियल नंबर फाइंड करना है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। सीरियल नंबर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको अपने विंडोज वाले ड्राइव में जाना होगा। मेरा सी ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव को ओपन करूंगा। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे मंत्रा वाले फोल्डर को और इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद MFS100 फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे, फिर ड्राइवर वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको MFS100 टेस्ट, इस वाले फोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे और इस एप्लीकेशन को रन कर देंगे। रन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और हमारे फिंगरप्रिंट डिवाइस का सारा ही डिटेल्स यहाँ पर फेच हो चुका है। आप लोग अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए लैपटॉप से, तभी आप लोगों को ये सीरियल नंबर और मॉडल नंबर यहाँ पे शो करेगा। तो इसी सीरियल नंबर को हम लोग कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सीरियल नंबर एंटर कर देने के बाद आप लोगों को ऐड का बटन यहाँ पे मिलेगा, आप लोग ऐड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का सीरियल नंबर ऐड हो चुका है। अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं, इसलिए क्लोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सीरियल नंबर ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को अपना कंपनी डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स भी यहां पर फिल करना होगा। कंपनी नेम में आप लोगों को अपना कंपनी का नाम फिल कर देना है, या फिर आप अपना नाम भी यहां पर फिल कर सकते हो। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहां पे आपको फिल करना होगा। ईमेल आईडी यहां पर आपको फिल करना है, इस ईमेल आईडी में आप लोगों को इनवॉइस सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, यानी कि अपना ही नाम दोबारा आप लोग फिल करोगे। उसके बाद जीएसटी नंबर यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होगा, ये मैंडेटरी नहीं है, आप लोग इसे छोड़ भी सकते हो। एप्लीकेशन नेम यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होगा, एप्लीकेशन नेम में आप लोग रेनुअल लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि अगर आप लोग सिर्फ आरटी सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इसे सेलेक्ट करिए। अगर आप लोग आरटी सब्सक्रिप्शन के साथ साथ वारंटी भी लेना चाहते हो अपने डिवाइस का, तो आप लोग सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। साथ ही साथ दोनों ही ऑप्शंस के लिए अलग अलग प्राइसेस रखे गए हैं, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। मैं फिलहाल फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट का सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली एड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि कंट्री, तो इंडिया ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा। स्टेट का नाम हमें यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें सिटी का सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम अपना एड्रेस फिल कर देंगे, पिन कोड यहाँ पर हम फिल करेंगे और पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को रिडायरेक्ट किया जाएगा पेमेंट गेटवे के पास। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को पेमेंट गेटवे में रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ यूपीआई का भी ऑप्शन आप लोगों को दिया जाता है। चलिए हम लोग यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अपने गूगल पे को सेलेक्ट करते हैं, अपना यूपीआई आईडी हम यहाँ पर फिल करेंगे, या फिर अगर आप क्यूआर कोड को जनरेट करना चाहते हो तो क्यूआर कोड को भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हो।
चलिए मैं QR कोड को जनरेट कर लेता हूँ और इस QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा वापस मंत्रा की ऑफिशियल वेबसाइट में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ से आप लोगों को रिसिप्ट डाउनलोड करने का भी बटन दिया जाता है। आप लोगों को रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अपने लैपटॉप के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ फिंगरप्रिंट डिवाइस का सेटअप पहले से ही किया हुआ है तो आप लोगों को कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आप लोगों को बस एक बार अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को रिमूव करना है अपने लैपटॉप से, उसके बाद दोबारा अटैच करना है। तो आप लोग देख पाओगे कि आप लोगों का जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो रेडी टू यूज़ आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर ये प्रॉब्लम बता रहा था और सब्सक्रिप्शन को रिन्यूअल करने के लिए भी नोटिफिकेशन हमारे सामने आ रही थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस प्रकार से मंत्रा फिंगरप्रिंट डिवाइस के RD सर्विस का सब्सक्रिप्शन को रिन्यूअल किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।